नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लिया और 2 लाख से ज्यादा महिलाओं से सीधा पीएम मोदी ने संवाद किया। तो वहीं इन महिलाओं के बैंक खाते में पीएम मोदी ने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी ट्रांसफर करी, जिसका सीधा फायदा महिलाओं को मिलने जा रहा है। तो वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के विकास से विपक्षी नेताओं को दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बच्चियों की शादी की उम्र 21 साल अब कर दी गई है, उससे भी कई नेताओं को दिक्कत है। फिलहाल यूपी में मौसम तो चुनावी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी के दौरे पर हैं और यूपी को बड़ी सौगात दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के प्रयागराज दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लिया और 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के बैंक खातों में 11,000 करोड़ रुपए की रकम भी ट्रांसफर की। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने बच्चियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष फरवरी में कुंभ में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आया था, तब संगम में डुबकी लगाकर अलौकिक आनंद का अनुभव प्राप्त किया। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रयागराज हजारों साल से हमारी मातृशक्ति का प्रतीक, माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती रही है। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन और लखीमपुर हिंसा को लेकर विपक्षी सांसदों ने पैदल मार्च निकाला। बता दें कि राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। वहीं राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने सांसदों पर कार्रवाई नहीं करती है। साथ ही कहा कि कैबिनेट में बैठे एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला है। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने मंगलवार सुबह बैठक की और अपने आंदोलन को नई दिशा देने के लिए रणनीति बनाई। इसी रणनीति के तहत लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मार्च में हिस्सा लिया। वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया, साथ ही इसे लोकतंत्र की हत्या भी बताया। आपको बता दें कि आज सांसदों को निलंबित किए हुए 14 दिन पूरे हो चुके हैं। निलंबित सांसद पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन विपक्ष जब भी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो सरकार उनकी आवाज दबा देती है। उन्होंने कहा कि ये मार्च भारत की जनता की आवाज को कुचलने का प्रतीक है। देश में कुछ समय से कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। बता दें पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 8,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें पिछले 24 घंटे में सिर्फ 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं अब कोरोना के बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। बता दें अब तक देश में 200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 77 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के मामले कुछ समय से कम होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 5,326 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 8,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। साथ ही पिछले 24 घंटे में 132 मरीजों की मौत हुई। वहीं अब कोरोना के बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक भारत में ओमिक्रॉन के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 77 मरीज ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। अभी बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच की तनातनी कम नहीं हुई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम में एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। ये विवाद है पूर्व कोच रवि शास्त्री और आर अश्विन के बारे में। दरअसल साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान आर अश्विन को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया था वो हम सब ने देखा था। अब इस मुद्दे पर आर अश्विन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। उनका ये तक कहना है कि जिस तरह से उन्हें नजरअंदाज किया गया था उन्होंने संन्यास लेने तक का मन बना लिया था। बात करें साल 2018 की तो उस दौरान कुलदीप यादव के द्वारा 5 विकेट लेने पर पूर्व कोच रवि शास्त्री इतने खुश हुए थे कि उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए ये तक कह दिया कि विदेशों में कुलदीप यादव भारत के नंबर 1 स्पिनर है, और यही बात आर अश्विन को चुभ गई।
अश्विन का कहना था कि उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में इस तरह से बेदखल कर दिया गया कि उन्हें लगता ही नहीं था कि वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पूर्व कोच रवि शास्त्री पर साल 2018 में दिए एक बयान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल शास्त्री ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान कुलदीप यादव को नंबर वन स्पिनर बताया था, जिसको लेकर आर अश्विन ने नाराजगी जताई है। आर अश्विन ने कहा कि टीम में उन्हें इस कदर नजरअंदाज किया गया था कि उन्होंने संन्यास लेने तक का मन बना लिया था। हालांकि बात 2018 की है, लेकिन इस मुद्दे पर अब आर अश्विन ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट में कुलदीप यादव ने पहली पारी में ही 5 विकेट चटकाए थे, जिसके बाद शास्त्री ने कहा था कि विदेशों में कुलदीप यादव भारत के नंबर वन स्पिनर हैं। साथ ही शास्त्री ने यह भी कहा था कि हर किसी का समय आता है। कुलदीप के प्रदर्शन के बाद यहां तक कहा जाने लगा था कि अश्विन सिर्फ भारतीय पिचों पर गेंदबाजी करने के लिए बने हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। पर्यटन कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं पर्यटक भी प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की बढ़ती भीड़ के साथ चिंताएं भी बढ़ सकती है, वो इसीलिए क्योंकि शिमला के रिज मैदान पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ आया है। आपको बता दें, तब जनता टीवी ने लोगों से मास्क न पहनने पर सवाल पूछे तो लोगों ने बहानेबाजी शुरू कर दी। तो वहीं डीसी शिमला का कहना है कि लापरवाह लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और चालान भी काटा जाएगा। जनता टीवी की आप सभी से अपील है कि कोविड नियमों का पालन करें। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन रफ्तार पकड़ रहा है। रिज मैदान पर सैलानियों की भीड़ उमड़ती जा रही है। यही कारण है कि उपायुक्त शिमला पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो लोग कोविड नियमों का पालन नहीं करते, जो मास्क नहीं पहनते, उनके चालान काटे जा रहे हैं। गौर रहे कि सीएम जयराम ठाकुर ने भी गत दिनों पर्यटकों से अपील की थी कि हिमाचल आए, सरकार और जनता आपका स्वागत करती है, लेकिन नियमों का पालन अति आवश्यक है। मौसम बदल रहा है, जिसके चलते प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट देखने को मिली है। प्रदूषण का जो लेवल AQI खराब श्रेणी में चल रहा था, उसमें काफी सुधार देखने को मिला। जो AQI दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में 350 पार पहुंच गया था, अब उसमें गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का लगातार यही कहना है कि अगर इसी तरीके से शीतलहर चलती है, जिसके चलते प्रदूषण क्षेत्रों से दूर चला जाएगा, प्रदूषण के लेवल में कमी देखने को मिलेगी। जहां पर सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि आने वाले समय में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए और विशेष तौर पर कदम उठाए जाएंगे, पहल की जाएगी, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और जो पुराने वाहन है जिनको 15 साल का समय हो चुका है, उन पर भी विशेष तौर पर निगरानी सरकार और प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। सरकार का बस यही कहना है कि आने वाले समय में इसी तरीके से प्रदूषण को नियंत्रण किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग तरीके की पहल लगातार चलाई जा रही है। आम लोगों को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मौसम बदलने से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल शीतलहर चलने के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर अभी कुछ दिन और शीतलहर रहती है तो आने वाले समय में प्रदूषण से और राहत मिलेगी। वहीं सरकार की तरफ से पहले की जानकारी यही है कि प्रदूषण के स्तर को और ज्यादा नियंत्रित किया जा सके। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन मंगलवार को 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ। सदन की तीसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिली। सदन में किसानों के मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विपक्ष ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, जिस पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तल्खी देखने को मिली। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी के अलावा इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने खाद की कमी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की किल्लत थी और लोगों को थानों में जाकर खाद लेनी पड़ी है। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जवाब दिया और ये कहा कि प्रदेश में खाद की कमी जरूर रही, लेकिन किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा तीसरे दिन की कार्यवाही में एक और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया है कि हिसार के एयरपोर्ट का नाम
महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नाम पर किया जाए। इसके साथ साथ तीसरे दिन की कार्यवाही में 3 विधेयक भी पुनर्विस्थापित सदन के पटल पर हुए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ, चूंकि कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि MSP के ऊपर कानून बने, इसका प्रस्ताव केंद्र को हरियाणा की विधानसभा से भेजा जाए। किरण चौधरी के इस प्रस्ताव को विपक्ष के प्रस्ताव के मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इसे नामंजूर कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा और अंतिम दिन बुधवार को 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा। चौथे और अंतिम दिन की कार्यवाही में भी कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिल सकती है। दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका ने आज शिकंजा कसा है। सचिव पंकज गुर्जर ने आज नगरपालिका कर्मचारियों की एक टीम गठित की। वह उच्च अधिकारियों के आदेशों पर नगरपालिका सचिव ने आज शहर के मेन बाजार बुढ़लाडा रोड व टोहाना रोड पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस थमाए और कईयों का सामान जब्त किया, कईयों को जुर्माना ठोका और कईयों को चेतावनी देकर छोड़ा। नगरपालिका सचिव ने मीडिया को बताया था कि पिछले कई दिनों से उच्च अधिकारियों को शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। सचिव ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जो दुकानदार नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नालागढ़ के बर्तगढ़ मार्ग पर स्थित नसराली गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नसराली गांव में जैसे ही दो ट्रक और एक पिकअप और एक बाइक पहुंचे तो सभी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना ज़्यादा भयंकर था कि एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जाँच शुरू कर दी है। इस बारे में DSP नालागढ़ अमित यादव का कहना है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और पुलिस मौके पर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नालागढ़ से जनता टीम। दक्षिणी हरियाणा के नारों क्षेत्र के किसानों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और इस बार यहाँ के किसानों ने मुख्य रूप से गेहूँ, सरसों और चने की बिजाई की है। इस बार तीनों ही फसल अच्छी होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार मानसून अच्छा होने के कारण अच्छी बरसात हुई और बरसात के चलते ये पैदावार अच्छी होगी। कृषि विभाग के विशेषज्ञों की माने तो इस बार सरसों की फसल भी अच्छी होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने किसानों को आगाह भी किया है कि वो सरसों की फसल में रात के समय फुहारे से सिंचाई ना करें, क्योंकि बर्फ बनने से फली खराब होगी और इससे फसल को नुकसान है। उन्होंने किसानों को कहा कि सरसों की जो फसल है उसमें दिन के समय सिंचाई करें ताकि फसल और भी अच्छी हो सके। युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए यमुनानगर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है नशा मुक्त अभियान। हम आपको बता दें कि पिछले कई महीने से यमुनानगर पुलिस और समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। SP कमलदीप गोयल ने आज इसी नशा मुक्ति अभियान के तहत एक अहम बैठक की और नए आए 6 रोगियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया और सिविल अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भेजा। SP कमलदीप गोयल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत अब तक 216 रोगी सामने आए थे जिनका इलाज करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से 2 आवासीय कैंप लगाए गए, एक कैंप पूरा हो चुका है और दूसरा कैंप जो है पुलिस लाइन के चल रहा है। उद्देश्य यही है कि युवाओं को नशा मुक्त किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन जो चलाई गई थी उसका भी बेहद अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अब तक 300 कॉल्स आ चुकी हैं। इसके अलावा आम पब्लिक द्वारा भी कई जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। जो नशे से प्रभावित क्षेत्र हैं उनका भी सर्वे करवाया जा रहा है, जो नशा करने वाले लोग हैं उनका इलाज करवाया जा रहा है और इसी प्रकार से नशा तस्करों पर लगातार धरपकड़ की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस आंदोलन के साथ जो ये नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है इसके साथ अब तक जो है 22 समाजसेवी संस्थाएँ जुड़ चुकी हैं। नियम 134A के तहत दाखिले सरकार के लिए हर वर्ष की भांति गले की फांस बनकर रह गए हैं। अगर बात करें तो 16 दिसंबर को रिजल्ट आउट हुआ था और 24 दिसंबर तक स्कूलों में बच्चों के दाखिले होने चाहिए थे,
लेकिन अभी तक अगर बात करें तो अभिभावक अपनों बच्चों को लेकर स्कूलों तथा अधिकारी को यहां चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी दाखिले नहीं हो पाए हैं। अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक कर यह ऐलान कर दिया कि वो इन बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं देंगे। उनका कहना है कि उनका सरकार पर बकाया है, जब तक सरकार उनका बकाया नहीं देती है जब तक इन बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जो अभिभावक है वो अधिकारी को यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी चैन की चादर तानकर सो रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाने के। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पुन्हाना उपमंडल के अकबरपुर गांव में SBI बैंक की तरफ से किसान मेला लगाया गया। इस मेले में किसानों को लोन की रिकवरी से लेकर बैंक द्वारा उनकी भलाई के लिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। क्षेत्रीय प्रबंधक गुरुग्राम ने यहां पहुंचकर किसानों को बैंक की स्कीमों के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई, तो साथ ही किसानों ने भरोसा दिलाया कि न केवल वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लोन लेंगे बल्कि उनकी समय पर भी अदायगी करेंगे। सुशासन सप्ताह के तहत जन सुनवाई के लिए उपमंडल कार्यालय परिसर तोसाम में आज सुशासन कैंप का हुआ आयोजन। सरकार की जनहित की सेवा को आम जन तक पहुंचाने के साथ साथ उनकी शिकायतों का मौके पर ही किया गया निपटान। इस अवसर पर SDM तोसाम मनीष कुमार फोगाट ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार पूरे सप्ताह को ही सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज इस सुशासन कैंप का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि जिस तरह से पंजाब में किसानों ने ट्रेन रुकी हुई है, अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार को भी केंद्र सरकार की तर्ज पर बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों की छोटी बड़ी मांगों को मानना चाहिए। एक सवाल के जवाब में भारतीय किसानियों ने जिस तरह से पंजाब में चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है उसके बारे में उन्होंने कहा कि यह उनकी सोच विस्तृत करेगी। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि जिस तरह से अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है उसको उत्सव के रूप में, सुशासन के रूप में, गुड गवर्नेंस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर प्रदेश में और पूरे देश में मनाने का मन बना चुकी है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ विपक्ष हमलावर रुख अपनाए हुए है। आज अजय मिश्रा के खिलाफ विपक्ष ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता भी की और केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की कैबिनेट में किसानों के हत्यारे को शामिल भी किया हुआ है। आपको बता दें कि विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इसी के कारण पिछले कई दिनों से संसद में भी गतिरोध बरकरार देखने को मिल रहा है और आज इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन से लेकर विजय चौक तक एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला। पंचकुला में आज हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन ने महा आंदोलन के दूसरे दिन हरियाणा विधानसभा की घेराव को किया कूच, जिन्हें पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोक लिया गया है। आपको बता दें कि आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी अपना समर्थन वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के धरने को दिया है। पिछले 58 दिन से लगातार आंदोलनरत है प्रदेश भर के 2278 वोकेशनल टीचर। इसके साथ ही आपको बता दें इनकी मांग है कि इन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए, जॉब सिक्योरिटी इन्हें 58 वर्ष तक की दी जाए और इन्हें शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए। इन मांगों को लेकर लगातार वो आंदोलनरत है और आज उन्होंने हरियाणा विधानसभा के घेराव को कूच किया है। इसके साथ ही राज्य प्रधान अनुप ढिल्लो ने जानकारी देते हुए बताया कि 110 महिला शिक्षकों द्वारा मुंडन कराकर रोष प्रदर्शन करने का व बड़ी कुर्बानी देने का ऐलान भी किया गया है।